अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब लोग अपने घरों में खुशहाल होंगे। आज की वीडियो मैं आपके लिए नहायत ही अहम वीडियो लेके आया हूँ। अक्सर औकात घरों में एक थर्मोस जो हम फेंक देते हैं, क्या मसला होता है? पानी लीक करता है या चाय लीक होती है जिसकी वजह से आप उसको कबाड़ खाने में फेंक देते हैं। व्यूअर्स, बहुत ही अच्छी वीडियो मैं लेके आया, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, अभी से इसको शेयर कर दें ताकि सब लोगों का भला हो सके। ये देखें, मैं अभी इसको पानी का मसला था, चाय लीक करती थी तो लीकेज थी, तो इस वजह से देखें यहाँ से इसको हमने खोल लेना, आराम से इसकी चूड़ी नीचे से खुल जाती है। ये इसका ये शीशे का एक हिस्सा होता है जिसके अंदर हमारी चाय या कावा वगैरह इसके अंदर हम डालते हैं, जिसकी वजह से ये गर्म रहता है। ये पूरा आराम से बाहर निकल आएगा घुमाने से। ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई लीकेज नहीं है, ये बिल्कुल हर तरफ से ये सील प्रूफ है, इसमें से कोई भी जो है लीकेज नहीं है। अभी हम जो नुक्स है, जो फॉल्ट है, वो मैं आपको बताता हूँ फॉल्ट इसका क्या है। इसका फॉल्ट ये है कि ये इसके अंदर एक सील होती है रबड़ की, जो कि काफ़ी अर्सा अंदर रहने की वजह से या यूज़ ना होने की वजह से ये ख़राब हो गया, लूज़ हो गई है। हम इसको चेंज कर देंगे, ये नई वाली डालेंगे। ये 20 रुपये की आराम से मिल जाती है बाज़ार से, तो आप इसको यहाँ पर एडजस्ट करेंगे। ये देख सकते हैं कि आपके सामने मैं कर रहा हूँ, तो ये आप इसको लगा दें और बहुत ही आसान काम है, बहुत ही ये कह लें कि सिंपल ट्रिक है जो आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो ये पसंद आएगी। पसंद आने की शुरुआत में इसको लाइक कीजिएगा, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियो अपने चैनल पर डालता रहता हूँ। टेक्निकल जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनकी हमें समझ नहीं होती और हम अपनी चीज़ें जो कबाड़ खाने में डाल देते हैं। जब फ्रेंड इसके ऊपर हम ये सील लगा देंगे तो इसको आराम के साथ ही हम इसको दोबारा इसके अंदर डाल देंगे, तो दोबारा से इसको इसकी जो ढक्कन है, चूरी है, नीचे वाले हिस्से को हम इसके साथ एडजस्ट कर लेंगे। ज़्यादा ज़ोर नहीं आपने लगाना, आराम से आपने इसको हल्के हाथ से इसको टाइट करना है, और नीचे वाली जो अंदर वाली है इसको भी आपने हल्के से घुमाना है, इससे जो जो है ना आराम से ये सील यहाँ पे बैठ जाएगी। जब भी आप चाय डालेंगे या कावा डालेंगे, ये अब बाहर वाले हिस्से में नहीं जाएगी, ये सील की वजह से इसी सीधा आपके शीशे के अंदर जाएगी, जिससे आपकी लीकेज ख़त्म हो जाएगी। ये आपके सामने भी मैं पानी डाल के आपको चेक करा रहा हूँ। प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अभी से वीडियो को लाइक कर दें। तो किसी एक बंदे का भी फ़ायदा हो गया तो समझ लें कि मेरा वीडियो डालने का मकसद पूरा हो जाएगा। ये देखें, इसकी अभी लीकेज ख़त्म हो गई है। मिलते हैं किसी अच्छी वीडियो में, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।